हेलो जो लेट्स सी द टू क्वेश्चंस क्वेश्चंस से टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट एनी पॉइंट पी ऑफ अ कर्व व्हिच पासेस थ्रू 1,1 कटिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इफ बी पी इज टू ए पी इज 3:1 देन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 3x डिवाइड बाय dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 3x डिवाइड बाय dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0 सी कर्व इज पासिंग थ्रू 1/8,2 डी नॉर्मल एट 1,1 इज एक्स प्लस 3y+4। जहाँ पर हम बोला जाए कि यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी पॉइंट पी से ऑफ द कर्व जो कि पास कर रहा है 1,1 से एंड कटिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस पॉइंट्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट के बी पी इज टू ए पी इज इक्वल टू 3:1 हो जाता है, तो हम जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो इट कैन बी गिवन बाय वाई माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में एक्स माइनस ऑफ एक्स। सो यहाँ पर ये जो स्मॉल वाई स्मॉल एक्स दैट्स आर द कोऑर्डिनेट एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि वो ए और बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है। सो इसके यदि मैं डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज के इस तरीके से ये एक्स एक्सिस होगा, माना ये वाई एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द कर्व, और इस कर्व से टेंजेंट होती हुई ये लाइन जा रही है, माना ये पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है ए है और ये इंटरसेप्ट पॉइंट बी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है पी वो एक्स एंड वाई को इंडिकेट कर रहा है जैसे कि हमने टेंजेंट इक्वेशन में बताया है, एंड दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स एंड दिस इज वॉट द पॉइंट 1,1। सो इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस लिखूं, सो ए पॉइंट के लिए इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या हो जाएगा बाय यूजिंग द टेंजेंट इक्वेशन एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। और चूंकि हम एक्स ए के लिए लिख रहे हैं और ए कहाँ पर लाइ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, सो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से यदि मैं बी के लिए इंटरसेप्ट लिखूं, सो एक्स क्या हो जाएगा 0 क्योंकि बी वाई एक्सिस पर लाइ कर रहा है, एंड जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सिंपली हो जाएगा वाई माइनस में एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमने कहाँ से लिखा है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नाउ यदि मैं यहाँ पे देखूँ सो पी इज इंटरनली इंटरसेप्ट अलाइन द ए बी जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में भी दिखाया है, सो इट विल डिवाइड द लाइन इंटू टू इंटरनल पार्ट। सो बाई यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या होता है m x1 + n x2 डिवाइडेड बाय m + n। तो ये रेशियो हमें दिया है, देखिए bp is to ab। सो इसको हम मान लेंगे m और इसको हम मान लेंगे n। सो देखिए ये रेशियो में गिवन है 3:1 के इक्वल bp is to ap। सो इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा m is 3 into x1, वो है एक्स माइनस में वाई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस में n is 1 x2 is 0 डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 3+। सो इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट dy बाय dx यानी कि जो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाय dx को, जहाँ से dy बाय dx का मान कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3x। सो यदि हम यहाँ पर चेकआउट करें तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमें माइनस का 3x को
इस जानब लेकर आना होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस में वाई बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब दोनों जानब थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे यहाँ से निकल के आ रही है, तो थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट हो गया और अल्टीमेटली बी विल बिकम इनकरेक्ट। अब हमें अदर टू ऑप्शंस को यहाँ पर चेक करना है कि कब पासिंग थ्रू द पॉइंट। सो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आई डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई बाय माइनस का थ्री एक्स, इसमें हम y की टर्म को एक साथ कर देते हैं और x की टर्म को एक साथ कर देते हैं और दोनों जानी पर इंटीग्रेट कर देते हैं। सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री को कॉमन कर दिया, इंटीग्रेशन dx एक्स बाय एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स नथिंग बट ln ऑफ x, सो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ y दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री ln ऑफ x प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी हम ln ऑफ c के फॉर्म में लेंगे, ln ऑफ c के फॉर्म में लेंगे। अब यदि मैं माइनस वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ x को, या फिर देखिए माइनस का वन बाय थ्री है और इसको यदि मैं इसके पावर में ले जाऊँ ln, सो ये x की तो पावर माइनस का वन बाय थ्री हो जाएगा। और अदर देन दैट मैं थ्री को उस जानब लेकर जाता हूँ, सो ये हो जाएगा थ्री ln ऑफ y और माइनस का ln ऑफ x इधर आके प्लस का ln ऑफ x हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ c। सो अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी थ्री विल गो इन द पावर ऑफ y, सो ये हो जाएगा ln ऑफ y का क्यूब प्लस में ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ c। अब लॉग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यदि ln ऑफ a ओके लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो हम का इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग टू द बेस ई बोलेंगे, क्योंकि एल एन किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ लॉग टू द बेस ई। सो इसको हम लिखते हैं लॉग ए टू द बेस ई प्लस में लॉग बी टू द बेस ई। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिंपली कॉमन कर सकते हैं एल एन को, ए इंटू में एक्स इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी, दोनों जानब से लॉग कॉमन कर देंगे। सो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्स इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू सी। सो ये हो जाएगी हमारे पास कर्व की इक्वेशन। सो सिंस वी हैव बीन गिवन दैट सिंस इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेट्स से वो पॉइंट क्यू है व्हिच इज गिवन 1,1, सो इसको यदि हम इक्वेशन में सेटिस्फाई करें दैट इज सी इज इक्वल टू 1 × 1 का क्यूब, तो सी का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, सी का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व एज एक्स इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, द पॉइंट कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसके लिए हमें चेकआउट करना था। सो यदि मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू 1/8, यदि मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट करूँ, सो 1/8 इंटू में वाई का क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि वाई का क्यूब इज इक्वल टू 8 इज क्यूब ऑफ 2, सो 2 का क्यूब आ जाएगा, दिस विल गिव अस वाई इज इक्वल टू 2। सो इसका मीनिंग ये है कि एक्स इज इक्वल टू 1/8 पर वाई इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, देयरफॉर द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1/8, 2। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो गया कि कर्व इज पासिंग थ्रू 1/8, 2। नाउ द नॉर्मल एट 1,1 इज एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 4। अब ये लास्ट ऑप्शन हमें चेक करना होगा, सो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का यूज करेंगे। वी वुड से दैट कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस कैन बी गिवन एज वाई माइनस में y1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में एक्स माइनस में एक्स वन। सो जैसा कि कर्व कहाँ से कहाँ पास हो रही है,
एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू वन कॉमा वन। सो इसके लिए यदि हम इक्वेशन सेटिस्फाई करें तो वाई माइनस का वन इज इक्वल टू द स्लोप टू द नॉर्मल। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो स्लोप कितना आया था, लेट अस चेक। तो यहाँ पर स्लोप फॉर द टेंजेंट वो किसकी इक्वल था, 1/3। तो उसका अपोजिट में नॉर्मल का स्लोप होगा, यानी कि नॉर्मल के लिए जो स्लोप है वो इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू कि नॉर्मल के लिए स्लोप हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3x। सो दिस विल बी गोज टू 3x डिवाइडेड बाय वाई। सो 3x डिवाइडेड बाय वाई में जो नॉर्मल के लिए स्लोप है वो किसके इक्वल आ रहा है, फिर 3 के इक्वल एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो स्लोप आ गया 3 इंटू में x माइनस ऑफ 1। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सो ये हो जाएगी इक्वेशन फॉर द नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 1,1। ठीक है, x 1 बाय 1 1,1। सो क्या हमें यही सेम इक्वेशन मिल रही है, यदि मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहा है, दैट इज माई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो ओनली ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।